पृथ्वीराज चौहान कितने उम्र में दिल्ली के राजा बने थे, लगभग कितने किरदार आएंगे फिल्म में नजर नए नए किरदारों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्रैड स्टूडियोज। मैं आपका होस्ट और दोस्त नितिन आज आपके लिए लेकर आया हूं स्टारडम से और हिस्टोरिकल चीजों से भरी मूवी पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। अक्षय कुमार इसमें राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का रोल निभाने जा रहे हैं, जिन्हें दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। पिछले कई दिनों से मीडिया के हवाले ये खबर चल रही थी कि अक्षय ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी है और फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। और अब बात एकदम आगे बढ़ चुकी है। अपने 52वें जन्मदिन यानी 9 सितंबर 2019 को अक्षय कुमार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि वो पृथ्वीराज नाम की फिल्म में काम करने जा रहे हैं और इस बात का ऐलान हुआ फिल्म के पहले टीजर के साथ। आगे बढ़ते हैं। बड़े स्केल वाले इस पीरियड ड्रामा में सन 1149 से 1192 तक के काल को फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है, जो पृथ्वीराज चौहान के जन्म से मृत्यु तक के वर्ष हैं। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां बरसों बरस से सुनाई जा रही हैं। वो अजमेर के महाराजा के बेटे थे, उनके नाना दिल्ली के शासक थे और उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। नाना गुजरे तो 11 बरस के पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा बनाया गया। पृथ्वीराज की कहानी फिल्म का रूप लेगी तो उसमें कुछ लोग जरूर आएंगे, जैसे राजकुमार संयोगिता। वो कन्नौज के राजा जयचंद राठौड़ की बेटी थी। उन्होंने पृथ्वीराज का चित्र देखा था और पृथ्वीराज ने उनका, और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया। लेकिन जयचंद की पृथ्वीराज से कोई नाराजगी थी। उन्होंने बेटी का स्वयंवर आयोजित किया तो दूर दूर से राजकुमारों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं, और ऊपर से उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के साथ लगवा दी। संयोगिता ने भी किसी को नहीं चुना और मूर्ति को ही माला पहनाने लगी, लेकिन तभी पृथ्वीराज वहां आ गए और माला उन्हें पहना दी। इससे पहले कि जयचंद कुछ करते, पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर चले गए। कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है, उनका दोस्त चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त थे और 1192 में अफगानिस्तान में मृत्यु तक उनके साथ थे। उन्होंने हमेशा पृथ्वीराज का साथ दिया। अंत में चंद्रबरदाई के शब्दों से ही पृथ्वीराज को पता चला कि गोरी कहाँ बैठा है और उन्होंने वहां पर तीर चलाकर उसे मार दिया। बाद में दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया ताकि दुश्मन के हाथों में ना रहें। वैसे तो फिल्म में यही 4-5 किरदार होने हैं, लेकिन ऐसा भी जानने में आया है कि डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी पृथ्वीराज की कहानी में ऐसे 5-6 पात्रों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिनका जिक्र उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अक्षय के अलावा बाकी कलाकारों की कास्टिंग अभी की जाएगी। अक्षय और विश्व सुंदरी यानी मानुषी छिल्लर की लगभग शूटिंग पूरी हो चुकी है और बाकी कलाकार का भी धीरे धीरे शूटिंग शुरू हो गई है। अक्षय कुमार ने इससे पहले 2008 में यशराज बैनर की फिल्म की थी और उसका नाम था टशन, जिसमें उनके साथ करीना कपूर, सैफ अली खान और अनिल कपूर थे और वो फिल्म असफल रही थी। इसके अलावा वो शाहरुख, माधुरी और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म दिल तो पागल है में 1997 में काम कर चुके हैं। अब 10 से 11 साल बाद वो फिर आदित्य चोपड़ा के बैनर के साथ लौटेंगे। अब ये फिल्म कितनी सक्सेसफुल साबित होती है अक्षय के लिए, ये देखना मजेदार होगा। वेल दर्शकों, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।